और यहाँ पर एक डस्टबिन बनाई गई है। देखिए कुछ अलग टाइप का डस्टबिन, पूरा कार्टून की तरह ये दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ पर आपको एक हिरन दिख रहा होगा गोल्डन कलर का, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इतना बड़ा चूड़ा तो हमने कभी देखा नहीं था, पहली बार देख रहा हूँ। आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा चूड़ा होता भी है। तो हेलो गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सौरभ वर्मा फ्रॉम अयोध्या। गाइस, मैं आज मौके पर मौजूद हूँ गुरु वशिष्ठ चौक के पास, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मार्ग जा रहा है, ये है राम पथ। और इस पथ पर एक ओवर ब्रिज यहाँ से जा रहा है ऊपर की साइड में, और ये सीधा NH-27 में जाकर आपको मिलाएगा। सबसे आसान मार्ग जो NH-27 से है राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, यहीं पर है। और यहीं पर पार्किंग भी बनाया गया है, यहाँ पर पार्क करके बाइक और आप जा सकते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, या फिर कहीं पर भी कोई भी मंदिर का दर्शन करना हो हनुमान गढ़ी में, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अभी सामने जो देख सकते हैं पूरा ब्रिज, ये 4 लेन बना हुआ है, तो इधर और तो इधर, और यहाँ पर पार्किंग इधर की साइड में बनाया गया है। जैसे अगर आप उधर से आ रहे हैं NH-27 से, तो इधर से फिर आप घूमकर वहाँ से फिर आप इस बिल्डिंग में जाएंगे, वहाँ पर आप पार कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, चलिए थोड़ा सा करीब से उसको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ का जो चौराहा है, कितना बढ़िया से इसको डेवलप किया गया है, वो चलिए आपको दिखाता हूँ। इसको गुरु वशिष्ठ चौक के नाम से जानते हैं, और पहले टेढ़ी बाजार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी एक चीज़ बनाई गई है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस पर लाइट जलती थी, लेकिन अभी काफ़ी दिन से इस पर लाइट नहीं जल रही है, रात में जलती थी, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता था। और यहाँ पर एक स्टील से तितलियों को कुछ ऐसा बनाया गया है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से देखिए कई रोड निकल गए। देखिए उधर से अगर आएंगे उधर के साइड से, तो एक रोड इधर हो गया और सीधा चले जाएंगे, और एक रोड उधर से आ गया, मतलब कि कई रोड यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसको गुरु वशिष्ठ चौक नाम रखा गया है। अब चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस मार्ग को बंद किया गया है क्योंकि इधर अभी काम चल रहा है, ये जो 2 लेन है इसको ओपन नहीं किया गया है, और उधर का जो 2 लेन है वहाँ से दोनों तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम है अरुंधति बहुमंजिली पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 2, और इधर की साइड में 1 बना हुआ है। अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाना हो, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। चलिए आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आप, अगर आप रहना चाहते हैं यहाँ पर, रुकना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। देखिए यात्री निवास द्वितीय स्थल पर, और अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाना हो तो तृतीय तल पर जा सकते हैं। और यहाँ पर एंट्री यहाँ से होती है, और यहाँ पर इस बिल्डिंग को कुछ ऐसा बनाया गया है, और रात में यहाँ पर जब लाइट वगैरह जलती है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब चलिए हम लोग नीचे से चलते हैं और कहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई हैं वो आपको दिखाता हूँ। नीचे पेंटिंग बहुत ही बढ़िया से पेंटिंग वगैरह बनाए गए, वो आपको दिखाता हूँ, और कहाँ पर नए काम हो रहे हैं या फिर क्या काम हो चुके हैं, चलिए सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर प्रभु राम जी का एक पेंटिंग यहाँ पर भी बनाया गया है इस मंदिर में, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और उसी तरह से दूसरे साइड में भी बनाया गया है वहाँ पर। अब चलिए हम लोग सीधा आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ से पेंटिंग स्टार्ट होता है और फिर सीधे पूरे दीवार में, ये जो पूरा वॉल है कुछ ऐसा यहाँ पर पेंटिंग बनाया गया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी ये काफ़ी, ये लगभग दिसंबर में इसको कंप्लीट कर लिया गया था, दिसंबर 2023 में, और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर फरवरी 2024 में। अब चलिए हम लोग सीधा वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर जो ब्रिज है उसके नीचे आपको दिखाता हूँ कैसा क्या चीज़ बना हुआ है। अभी मैं उधर से आ रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए ये
पार्क टाइप का कुछ ऐसा बनाया गया है, यहाँ से एंट्री होती है अगर अंदर में जाना हो, और यहाँ पर जलपान के लिए एक घर बनाया गया है छोटा सा, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे जाना सख्त मना है। काफ़ी लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर जो गमला वगैरह था काफ़ी लोग उठा कर लेकर चले गए थे, तो इसलिए इसको पूरा बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर एक डस्टबिन बनाई गई है, देखिए कुछ अलग टाइप का डस्टबिन, पूरा कार्टून कितना ये दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ पर आपको एक हिरन दिख रहा होगा गोल्डन कलर का, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस ब्रिज के नीचे रखा गया है, और यहाँ पर लाइट वगैरह, वहाँ पर देखिए लाइट लगाई गई है जो इस पर फोकस करती है रात में, और देखने में रात में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पर गार्डन वगैरह बनाकर तैयार कर दिया गया है, वहाँ पर प्रभु राम जी को दिखाया गया है, जिसके चारों तरफ बंदर आपको कुछ ऐसा दिख रहे होंगे। और यहाँ पर एक शंख की आकृति में स्टील से कुछ ऐसा बनाया गया है, मेक इन इंडिया का लोगो वहाँ पर दिखाया गया है, देखिए कुछ ऐसा लग रहा है देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो सभी जगहों पर कुछ अलग टाइप का किया गया है, सभी जगहों पर कुछ अलग टाइप की पेंटिंग वगैरह दिखाई गई है, जिससे यहाँ पर जो पर्यटन आए वो देखकर खुश हो जाए कि अयोध्या को कितना बढ़िया से डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और आगे क्रॉसिंग है, और अगर रेलवे स्टेशन जाना हो तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए यहाँ से मार्ग है, सीधा रेलवे स्टेशन लेकर जाएगा, करीब 500 मीटर की दूरी पर है रेलवे स्टेशन। ये है मुख्य द्वार यहाँ का रेलवे स्टेशन का, यहाँ से आप जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर से आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, कहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई है, क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ का तो सारी चीज़ें हमने दिखा दिया, एक चीज़ छूट गया था उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मंदिर जैसा कुछ ऐसा बनाया गया है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तीन जगह लिखा गया है, और ये मंदिर की डिजाइन में कुछ ऐसा। और यहाँ पर धनुष बीच में बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ऊपर पेंटिंग ये सब पूरा हाथ से बनाया गया है, और यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन इसको अभी बंद किया गया है। यहाँ का जो पोस्टर है वो यहाँ पर रखा गया है, कैसी यहाँ पर सुविधाएं होंगी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर आपको फ़ोटो लेना हो, सेल्फी लेना हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मैप है जिसको यहाँ पर रखा गया है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और सारी चीज़ों को अभी डेवलप नहीं किया गया है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को डेवलप कर लिया जाएगा, अभी बहुत से काम हैं जो अयोध्या में किए जाने। अब चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। अभी मैं ब्रिज पर चढ़ चुका हूँ, मैंने बताया था कि आपको NH 27 तक लेकर जाऊँगा, और कहाँ पर क्या 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 चीज़ें बनी हुई हैं इस रोड पर सारी चीज़ें दिखाऊँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो पेंटिंग वगैरह है ब्रिज के जो दोनों साइड हैं और बीच में जो डिवाइडर है, कितना खूबसूरती से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर दूसरा जो लेन है वो अब बन रहा है, वहाँ पर काली वाली जो गिट्टी होती है वो डाला जा रहा है, फिनिश किया जा रहा है सारी चीज़ें। और इधर की साइड में रेलवे स्टेशन है, और इधर का जो ब्रिज है सेकेंड साइड का वो भी अब कंप्लीट हो चुका है, बस रोड को फिनिश करना है, जो रोड होता है वो अभी बनाया जा रहा है, जल्द ही दूसरा वाला साइड भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से पेंटिंग बना हुआ है, अयोध्या यहाँ पर लिखा गया है अयोध्या। ऐसे ही सभी जगहों पर देखिए, जितना दूर ये ब्रिज है, जितना दूर चलते जाएंगे उतना दूर आपको ऐसी ही पेंटिंग मिलेगी। वैसे अयोध्या में जितनी भी नई ब्रिज बन रही है सभी में आपको कुछ ऐसी ही पेंटिंग देखने के लिए मिलेंगी। और अब यहाँ पर जो फाइबर लगे हुए हैं, ये पुराने ब्रिज में फाइबर नहीं लगे हुए, जैसे जो NH 27 पर जो ब्रिज हैं वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, उनमें धीरे धीरे लगाया जाना है।
अब यहाँ पर देखिए कितना चौड़ा रोड, इतना चौड़ा रोड पहले नहीं हुआ करता था। इधर का दो लेन देखिए और उधर का दो लेन देखिए, इधर का जो दो लेन है इतना ही चौड़ा यहाँ पर था पहले, लेकिन अब कितना चौड़ा यहाँ पर हो चुका है उसका जस्ट डबल। अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है और यहाँ पर अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, कहीं पर भी आपको स्ट्रीट लाइट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। अभी इस पर लगाया जाना है, केवल यही पथ बचा हुआ है जिस पर स्ट्रीट लाइट अभी नहीं लगी हुई है। और गार्डन वगैरह जैसे है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसके अंदर मिट्टी भरा जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर फूल लगाया जाएगा, मतलब उसमें मिट्टी भर के उसके बाद फूल लगाया जाएगा। और यहाँ पर बीच में भी फूल वगैरह पेड़ पौधे यहाँ पर भी लगाए गए हैं जो धीरे धीरे बड़े होंगे और जब बारिश होगी तो खिलते हुए नजर आएंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे मैं चूड़ामणि चौराहा पर पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीता जी का चूड़ा रखा गया है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं रुककर दिखाऊंगा। ये है पांच कोसी परिक्रमा मार्ग जिसके बीच में इसको बनाया गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी मैं रुकता हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो इंगित कर रहा है आपको कितनी दूरी पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी साइड में सेम उसी पोजीशन में एक और बोर्ड लगा हुआ है, अगर आगे की तरफ जाएंगे तो आपको कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अब थोड़ा सा मैं इसके करीब चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही सारी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है अयोध्या में। देखिए कितना बढ़िया, कितना बड़ा चूड़ा, राम 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 पूरे चूड़े में लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर दोहा भी लिखा गया है। चलिए थोड़ा करीब से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये जो मार्ग है ये पांच कोसी परिक्रमा मार्ग है। इसके आगे जाएंगे तो एक ब्रिज और मिलेगा, वो भी डेवलप कर दिया गया है, मतलब बनाकर तैयार कर दिया गया है, वो भी चालू हो चुका है। वो जाकर सीधा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मिलाता है। अब चलिए थोड़ा सा करीब चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया इसमें जो लिखावट वगैरह है, राम 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 राम, वो कुछ ऐसा लिखा गया है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और बीच बीच में हर जगह जो पट्टियाँ हैं उसके बीच में कुछ ऐसा दोहा लिखा गया है और इसके चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं। इतना बड़ा चूड़ा तो हमने कभी देखा नहीं था, पहली बार देख रहा हूँ। आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा चूड़ा होता भी है। तो इतना बड़ा चूड़ा अयोध्या में चौराहे पर लगा हुआ है, इसको चूड़ामणि चौराहा बोलते हैं। पहले मोहब्बरा बाज़ार के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर बड़ी सी मार्केट लगती थी। अब चलिए हम लोग फिर से चलते हैं और थोड़ी ही दूर बचा हुआ है NH-27, जहाँ पर चलकर आपको दिखाता हूँ। वहाँ से जब आप इधर की तरफ मुड़ेंगे तो कितना चौड़ा वहाँ पर रोड है और कहाँ से आपको उड़ना है। यहीं पर जो मार्केट लगता था मोहब्बरा बाज़ार का, यहीं पर लगता था। अब यहाँ पर रोड चौड़ा कर दिया गया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर घर वगैरह बनाए जा रहे हैं। और सभी जगह पर आप देख सकते हैं जो गमला है वो बनाया गया है, गमला तो नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा शेप बनाया गया है जिसके बगल बैठ भी सकते हैं और उसके बीच में मिट्टी भर के पौधे भी लगाए जा सकते हैं, कुछ ऐसा बना हुआ है और देखने में भी बढ़िया लग रहा है। अब थोड़ी ही दूर बचा हुआ है, करीब यहाँ से 200 मीटर और चलेंगे। यहाँ से हमको बोर्ड, हरा कलर का जो बोर्ड है वो दिखाई पड़ने लग गया है। यहीं से आपको बता देगा, मतलब जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ से देखकर पता चल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है, कहाँ की क्या दूरी है, सारी चीज़ें यहीं से आप देख सकते हैं। यहाँ पर सफाई कर्मी वाले भाई बहन पूरा दिन लगे रहते हैं, कहीं पर भी हल्का सा कूड़ा होता है तो तुरंत उसको साफ़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बोर्ड बड़ा सा, इसको आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं,
किधर की तरफ जाएगा और कितनी दूरी है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब यहाँ से आपको ऊपर हाईवे दिख रहा होगा NH-27, और ये श्री राम स्तंभ है, और मैं उसके नीचे अब ब्रिज के नीचे अब पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ पर इसकी भी दीवारों में देख सकते हैं पेंटिंग बनाई गई है, ये पूरा सांचा से ढाला गया है, हमको ऐसा लग रहा है कुछ, ये हमको नहीं लग रहा कि हाथ से बनाया गया है। अब देखिए यहाँ से इसका व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। तो आज का ब्लॉग चलिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।